प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन इसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप मतलब बचा हुआ, जब पेंदी पे बॉटम पे बैठना, बॉटम पे है जम जाता है, अलग से बैठ जाता है ऐसा। इसमें क्या है कि जब टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जब दो तरह के नमक किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में या वाटर में घुलाया मिलाया जाता है तो वहां रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन करके कुछ अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। जैसे मान लो सोडियम सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ पोटासियम नाइट्रेट है, तो सिल्वर क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट रिएक्शन किया और इसको पानी में मिला दिया गया, गोल में या लिक्विड मिला दिया गया, ये क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का हमको मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा। प्रेसिपिटेशन हमको सिल्वर नाइट्रेट का मिलेगा और छेप पेंदी पे बैठ जाएगा, बाकी अपना घुल मिल जाएगा। लेकिन ये जो है जो बीकर लेंगे, फ्लास्क लेंगे, जो बर्तन लेंगे उसके नीचे बैठ जाएगा और बाकी KCl ये घुल जाएगा पानी में, ये नीचे बैठा रहेगा या पानी में घुल जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और छेप। उसी तरह से अगर हम पोटासियम क्लोराइड लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं तो इसमें सिल्वर क्लोराइड और पोटासियम नाइट्रेट, इसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हमको मिलेगा, ठीक है। पोटासियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये सबको पानी में अगर मिला दिया जाए, घुला दिया जाए तो पानी जैसा तैसा रहेगा, वो कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन पानी में हमको लिक्विड में ये नीचे बैठ जाएगा और ये पानी में घुल जाएगा। और ये दोनों ही सब साल्ट है, ये सब साल्ट है, नमक है, और इसका प्रेसिपिटेशन पानी में बैठ जाएगा, बॉटम में नीचे बीकर फ्लास्क में बैठ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू साल्ट रिएक्ट इन वाटर एंड प्रोड्यूस इनसोल्युबल प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट मतलब कि आप घुलनशील, जब पानी में नहीं घुलेगा वही नीचे बैठ जाएगा ना। दैट डोंट डिसॉल्व इन वाटर दैट विल सेटल डाउन अंडर ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, वो नीचे बैठ जाएगा और ये सब पानी में घुला रहेगा। तो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है दो साल पानी में, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। उसके बाद सिक्स नंबर में है कॉम्बस्शन, कॉम्बस्शन रिएक्शन। कॉम्बस्शन रिएक्शन में इसका हिंदी होता है दहन, दहन माने जलना। तो कोई चीज भी जलता है तो लाइट देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है, प्रोड्यूस एनर्जी, एमिट्स एनर्जी ऑन बीइंग हीटेड या ऑन बीइंग बर्न जलाने पर। तो कंजप्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सबस्टेंस या दो सबस्टेंस मिलकर रिएक्शन करके करने के बाद आफ्टर हीटिंग या आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड कंजप्शन कंबस्शन रिएक्शन। इसको बोलेंगे
कम्बशन रिएक्शन अभिक्रिया, इसको मैं लिख देता हूं समझने लायक, एग्जांपल समझ लेना, उसके बाद बुक में एक एग्जांपल और दिया होगा दो एग्जांपल, वो सब समझना। तो कंबशन रिएक्शन जो है इसमें क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें लिखने का है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फ्यूल्स मॉलिक्यूल, ज्यादा करके फ्यूल्स होता है, फ्यूल्स मॉलिक्यूल्स और ए सबस्टेंस, फ्यूल मैंने ईंधन, सबस्टेंस प्रोड्यूसेस लाइट या हीट मींस एनर्जी, एनर्जी एंड स्मोक धुआं CO2 टाइप। तो धुआं पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, लाइट हीट पैदा करता है, हीट वही चीज है, हीट पैदा होगा तभी लाइट पैदा होगा, ये दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें ईंधन जल करके ईंधन मॉलिक्यूल या कोई दूसरा पदार्थ है प्रोड्यूसेस लाइट हीट एनर्जी एंड स्मोक। हाँ, इसमें एक लाइन और दे देना है, ऑन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जलकर, ऑक्सीजन के साथ जलकर, ज्यादा करके ऑक्सीजन से जलेगा, आग भी जैसे जलेगा तो उसको ऑक्सीजन ही बोला जाता है, तो ऑक्सीजन से जलने के बाद हीट लाइट देता है, प्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड, ये वाला लिख देना कंबशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे CH4 मीथेन, CH4 मीथेन जलता है, जो गैस है, जलने वाला खाना वाना गैस ये सब जैसी ग्रिल वगैरह कुछ भी, ऑक्सीजन से जलता है तो CO2 बना और पानी गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 कर देंगे, ऑक्सीजन 2 to 4 हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ 2 दिए, इंसर्ट 2 बिफोर H2O मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 जो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 कार्बन 1 बैलेंस हो गया। तो ये जलने के बाद, ये फ्यूल है, जलने के बाद ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड दिया और पानी निकला, तो इसी तरह से इसको जो हम लोग आग देखो, जैसे लोहा है, जंग लगता है, तो लोहा जंग लगता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये दो चीज बनता है, एक बनता है FeO और बहुत ज्यादा रूप में जब कंबस्टन होता है तो बनता है Fe2O3, इसको याद रखना दिमाग में, कम रिएक्शन होता है तो FeO बनता है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। अब क्यों नाम है ये सब रिएक्शन में ही बताए हैं, टॉपिक रिएक्शन बैलेंस करना और ऑक्सीडेशन, ये अलग अलग टॉपिक रखेंगे, दो वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, मेन है कि क्वेश्चन आंसर सब डील कर देंगे भाई। तो Fe आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, FeO बना जंग, रस्टिंग जो होता है, जंग जो ऊपर लग जाता है, लोहा से छूटता है जो ऊपर में, रस्टिंग, ठीक है, वो जल के जलने के बाद ये भी है, ये धीमा, बहुत जेंटली कंजप्शन होता है, स्लो डल। अब ये इसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 2 इधर है, इधर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा,
लो आयरन टू हो गया, इधर आयरन टू कर दो, ये बैलेंस हो गया। इसमें देखो ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन तीन है, तो तीन और दो बैलेंस होने के लिए एलसीएम करेंगे, थ्री टू या सिक्स, थ्री टू या सिक्स, नंबर ऑफ मोलिकुल देखना पड़ता है, स्पेशल बताएंगे। आई हो गया फोर, आयरन फोर हो गया, यहाँ फोर में आयरन फोर मोलिकुल हो गया, ये बैलेंस हो गया। ये भी इसी का एग्जाम्पल है कम्बशन रिएक्शन का। उसके बाद अगला नंबर है जो कि इसको अलग टॉपिक अलग वीडियो बनाएंगे और उसको इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसमें ये जो है इसको एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं, कम्बशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक लिखना यही भी देना, इसी में लाइट जिसमें एनर्जी निकले, लाइट निकले, एमिट करे लाइट, उसको एक्सोथर्मिक ही बोलते हैं। आगे है रेडॉक्स रिएक्शन नंबर सेवन। दो तरह का रिएक्शन है, ज़्यादा टाइम लेगा इसमें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए अलग वीडियो बना।